बचपन, पचपन और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद। मुफाद आम्मा का आलमबरदार, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब, जो कि मारूफ शायर हैं, शोरा की नुमाइंदगी करते हैं। आइए हम उन्हें समाप्त करते हैं कि मरहूम के ताल्लुक से आपके क्या एहसास हैं। अस्सलाम वालेकुम। हालांकि मैं शायर हूं, लेकिन हमारे बैठक थी आदर्श होटल पर, जहां हमारे हज़रत मुकीम असर बयावली साहब भी बैठक करते थे, और हमीद शेख साहब भी वहां बैठकर अपने इजहार ख्याल किया करते थे। उनका मामला यह था कि वो ज़्यादा मराठी और हिंदी पर बात किया करते थे, और हिंदी और मराठी मुझे समझती नहीं थी। एक मरतबा मैंने मुकीम हजरत से पूछा भी कि हम तो उर्दू वाले हैं, ये अमित साहब आते हैं तो मराठी में बात करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटे, हम भी जानवरों की तरह हैं, मगर हमको लब दिए गए। तो जो आदमी जिस बोली ठोली का है उसको सुना करो, इससे एक से बदले दूसरी जबान सीखने को मिलती है। मुझे अच्छी से याद है कि उनकी कुछ एक दिए पे एक नज़्म थी हिंदी में, और उसमें कुछ चूँचू चूँचू की भी आवाज़ ऐसे वो पढ़ते टाइम कहते थे, लेकिन अपने कुछ समझ में आता नहीं था, इसलिए कि अपने तो उर्दू में भी कच्चे पक्के थे। लेकिन जब भी वो मिले, कभी शेक्सपियर के ड्रामे की बात की, उनका एक वो भी था कि वो रुस्तम सोहराब, जो बहुत मशहूर ड्रामा है, उसके ताल्लुक से भी वो ये हमेशा चाहते थे कि किसी दिन ऐसा मौका मिले तो मैं इसको खेलूँगा। और अभी मेरे कुछ दोस्तों ने भी जिक्र किया, शिवाजी टाउन हॉल में उनका जो ड्रामा था, वो कब्रिस्तान वाला, उसमें हमारे मरहूम फरोख जाफरी का भी एक ड्रामा खेला गया था, और बाकायदा उस कब्रिस्तान में आग लगी थी। सर, जो अभी दोस्त ने बताया वो बिल्कुल दुरुस्त है। फ़नकार चला जाता है, उसकी तहरीरें रह जाती हैं, यादें दिल में रह जाती हैं। मैं कुछ शेर में हमारे मरहूम के लिए पेश करूंगा। हर वो फ़नकार जो जीते हुए अपनी तहरीरें छोड़ कर जाता है, मैं कुछ शेर उसके पढ़ता हूँ कि शाम होने दो, दिए शाम में ढल जाएंगे। शाम होने दो, दिए शाम में ढल जाएंगे, जो उजाले हैं अंधेरों में बदल जाएंगे। रोशनी रोशनी चिल्लाएंगे दुनिया वाले, रोशनी रोशनी चिल्लाएंगे दुनिया वाले, हम बदन हद से बहुत दूर निकल जाएंगे। रोशनी रोशनी चिल्लाएंगे दुनिया वाले, हम बदन हद से बहुत दूर निकल जाएंगे। एक हंगामा ज़रा देर की खातिर होगा, फिर ज़माने के शबो रोज़ बदल जाएंगे। एक हंगामा ज़रा देर की खातिर होगा, फिर ज़माने के शबो रोज़ बदल जाएंगे। चंद लम्हों में भुला देगा ज़माना हमको, चंद लम्हों में भुला देगा ज़माना हमको, चंद लम्हों में ही एहसास पिघल जाएंगे। कौन है जो यहाँ आया है सदा रहने को, कौन है जो यहाँ आया है सदा रहने को, एक दिन आएगा हम लोग भी मर जाएंगे। कौन है जो यहाँ आया है सदा रहने को, एक दिन आएगा हम लोग भी मर जाएंगे। एक साए की तरह है ये खराबा, जिसमें काफ़िले आएंगे, ठहरेंगे, गुज़र जाएंगे। एक साए की तरह है ये खराबा, जिसमें काफ़िले आएंगे, ठहरेंगे, गुज़र जाएंगे। फिर नया चांद सा उभरेगा उफक से अपने, फिर नया चांद सा उभरेगा उफक से अपने, सारे फरसुदा ख्यालात बदल जाएंगे। फिर नई नस्ल नए शेर तराशेगी यहाँ, नस्ल नौ फिर नए मंजर को उभारेगी यहाँ। फिर चरागों की तरह कोई जलेगा मुश्ताक, फिर कोई चांद सा किस्तों में कटेगा मुश्ताक। जब कभी बात लहू रोने की आ जाएगी, नाम आएगा हवालों में कहीं पर मेरा। जब नया जहन नई समत सफ़र मांगेगा, नक्श उभरेगा ख्यालों में कहीं पर मेरा। जब कोई रोशनी रखेगा बुझे कागज़ पर, अक्स झलकेगा उजालों में कहीं पर मेरा। बस यहाँ दर्द मेरे यार रहेगा जिंदा, बस यहाँ दर्द मेरे यार रहेगा जिंदा, जिस्म मर जाएगा किरदार रहेगा जिंदा। बस यहाँ दर्द मेरे यार रहेगा जिंदा, जिस्म मर जाएगा किरदार रहेगा जिंदा। ये मेरी नज़्म मेरे शेर ये मेरी गज़लें, बाद मेरे मेरा शहकार रहेगा जिंदा।
गर्दिशे वक्त की रफ्तार सदा देती है, कोई भी दौर हो फनकार रहेगा जिंदा। और इंशाल्लाह हमारे हमीद शेख साहब हमारे दिलों में हमारे आर्ट में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हम अल्लाह के हुजूर दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनके कलम से निकली हुई कुछ ऐसी अच्छाइयाँ जिससे दुनिया का कुछ अंधेरा दूर हुआ हो उसके सदके तुफैल उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे और उन्हें आला दर्जात अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी मिल्ली समाजी सकाफती तहजीबी फलाही तिब्बी फ़न्नी माशी तजारती माशरती इंतज़ामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।